फिल्म में आतंकी साजिश का सच केरला स्टोरी पर पीएम मोदी ने और क्या कहा कर्नाटक की चुनावी रैली में पीएम ने केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बयान दिया है कर्नाटक के बेल्लारी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस फिल्म में आतंकी साजिश का सच दिखाया है उन्होंने फिल्म को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिल्म पर बैन लगवाना चाहती है कांग्रेस ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकी प्रवृत्ति के साथ है रैली में प्रधानमंत्री ने कहा बीते कुछ समय से आतंकवाद का एक नया स्वरूप पैदा हुआ है बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज़ नहीं होती ऐसी ही आतंकी साजिश की बनी फिल्म केरला स्टोरी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है ऐसा कहा जा रहा है यह फिल्म सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है देश का इतना खूबसूरत और राज्य जहाँ पर लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया है इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया उन्होंने कहा देश का दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस आज भी समाज को तहस नस्त करने पर जुटी है और आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है ऐसा ही नहीं है आतंकी प्रवृत्ति वाले कांग्रेस पिछले साल से राजनीतिक सौदेबाजी भी कर रहे हैं मैं जब कांग्रेस को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद